हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हमारे जीके गेमिंग यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइज़, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सबसे फेवरेट टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हो गाइज़। तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में मैं आप लोगों को AWM की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करके ऑल और नोटिफिकेशन गाइस, ऑन अगर कर आप दो। सभी को हमारे इस चैनल के वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं और अगर हमारे इस चैनल के वीडियोस से आपको कुछ मदद नहीं मिलती है, तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप सब्सक्राइब करने करके टाइम वेस्ट ना करें अपना, और आगे हमारे इस वीडियो को देखते रहो, क्योंकि टॉप 5 टिप्स बताने वाला हूँ आज का 98 सॉरी AWM का। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक क्लिप्स देख लो। सो गाइज, अगर आप आज के इस ट्रिप्स को पूरा देखोगे मतलब मिस नहीं करोगे, एक भी ट्रिप्स मेरा एक भी ट्रिप्स अगर आप लोग मिस नहीं करोगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरे ही तरह इसे ही हेडशॉट मारना जान पाओगे। तो देख गाइज, अभी देखना 300 का डैमेज देगा, ठीक है? ये देखो 300 का डैमेज, ये डैमेज 300 का इसलिए दिया क्योंकि AWM पे एक नया अटैचमेंट आया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखो, अगर आप इस ट्रिप्स एंड ट्रिक को पूरा देखते हो तो मुझे भी यकीन है कि आप भी ऐसे चलाना सीख जाओगे। क्लोज रेंज पे भी कितना डैमेज देता है यार, देखो यार, अभी अभी जो हेडशॉट मारा इसका भी एक ट्रिप्स है, ये भी मैं आपको बता दूंगा आखिर में। इसका क्या ट्रिप्स है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस क्लिप्स को देख लो। देखो कितना डैमेज दिया, अरे यार MP40 वाला देखो, MP40 भी AWM के सामने भीगी पड़ता है, मतलब MP40 यूज़र भी AWM के सामने कुछ नहीं है गाइज, अगर आप भी इस AWM को फॉलो करो तो। देखो गाइज, इमोट वाले ऑप्शन के लिए हमें 1100 का डैमेज, आप भी ऐसे हेडशॉट मार पाओगे, आप भी ऐसे बहुत आसानी से ही हेडशॉट मार पाओगे। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आप भी ऐसे ही सीख जाओगे। आप देखना, इसका भी एक ट्रिप्स है, अभी भी मैं एक हेडशॉट मारूंगा, इसका भी एक ट्रिप्स है गाइज, ये भी 1100 का डैमेज, इसका भी एक टिप्स है, आप सब कुछ समझ जाओगे अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखो और आगे आगे देखो होता है क्या यार। और देखो 3-4, अरे यार शॉर्ट गन यूज़र भी इसके सामने कुछ नहीं है, दो दो बंदा गया शॉर्ट गन का। तो अब टिप्स की बात करें तो नंबर 1 पर है चेंजिंग स्नाइपिंग कंट्रोल। तो इस टिप में क्या करना है, आपको AWM स्नाइपिंग को होल्ड फायर टू स्कूप करना है, नॉर्मल पे नहीं रखना है। तो होल्ड फायर टू स्कूप करने का फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले आप जान लीजिए आप सब क्या करते हैं, पहले स्कूप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद एम बॉडी के मतलब एनिमी के हेड के ऊपर ले जाते हो एंड देन फायर वाले बटन को प्रेस करते हो। इससे आपको काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है, अगर हेड पे लगे तो अच्छा है, लेकिन बॉडी पे लगे तो आपको दोबारा से कोशिश करना होगा। लेकिन इस ट्रिप में अगर आप होल्ड फायर टू स्कूप रखते हो तो आपको कैसा फ़ायदा मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको बार बार स्कूप ओपन करना नहीं है, आपको जस्ट अपना फायर वाले बटन को होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद स्कूप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एंड एनिमी के ऊपर ले जाओ और फायर वाले बटन को छोड़ दो। जैसे आप मेरे फायर वाले बटन को देखो, मैं जैसे होल्ड किया स्कूप ओपन हुआ एंड मैं मूव करवा सकता हूँ एंड एनिमी के बॉडी के ऊपर ले जाकर उसे छोड़ देने से ऑटोमेटिक बुलेट्स जो है वो निकल जाएंगे एंड एनिमी बहुत जल्द से मर जाएगा। तो ऐसे भी आप भी कर सकते हो। तो नंबर टू जो ट्रिप है उसमें है सेंसिटिविटी। आपको हमेशा AWM चलाने के लिए आपका AWM स्कूप जो है उसे 100 रखना है, उसका सेंसिटिविटी 100 रखने से क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। जब आप अपना सेंसिटिविटी 100 से कम रखोगे मतलब 0 रखोगे, तब देखो जब आप स्कोप ओपन करोगे तब कितना धीरे से मूव कर रहा है स्कोप, आपको बहुत लंबी खींचना पड़ेगा स्कोप मतलब मूव करने के लिए। तो इतना देर कौन करता है अब AWM चलाने में यार। तो देखो आप जब अपना सेंसिटिविटी 100 रखोगे तो फिर क्या होगा, तो जब आप स्कूप ओपन करोगे तब बहुत फास्ट बहुत तेज़ी से जो स्कूप है वो मूव करेगा। देखना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देखो कितना फास्ट, बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो इसीलिए आपका आपका जो सेंसिटिविटी है उसे 100 रखना दो,
100 कर लो, उसके बाद आप खेल के देखो, मज़ा ही अलग आएगा। अब बढ़ते हैं अगले टिप के ऊपर। अब नंबर 3 जो टिप है वो है मॉडिफाई योर कस्टम एचयूवी। इस टिप में आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और कस्टम एचयूवी पे जाकर आपका जो बीच में यहाँ पर आपको एकदम से बीच में आपको एक इमोट जो है उसे लगा लेना है। इमोट का साइज आप बड़ा करो एंड बीच पे लाओ एंड उसके बाद उसका साइज छोटा कर लो। ये कोई इनलीगल काम नहीं है, ये लीगली है, आप भी यूज़ कर सकते हो। ये एक ट्रिक है और गेम पे ट्रिक यूज़ करा जा सकता है। अब देखो इससे क्या होगा, अब जब MP40 लेते हो तब ये जो राउंड है, ये एक क्रोसियर है, आप इसके मदद से एनिमी के ऊपर एम करते हो, है ना। अब इसको एनिमी के बॉडी पे ले जाते हो एंड देन फायर करते हो, जिससे एनिमी आसानी से मर जाता है। लेकिन जब आप AWM लेके खेलोगे तब देखो ये जो राउंड वाला क्रोसियर है ये नहीं रहेगा, तब आपको एम करने में कौन मदद करेगा, ये जो इमोट का ऑप्शन है ये मदद करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप इमोट से एम करो एंड देन फायर करो, जिससे एनिमी के ऊपर एम ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इस टिप्स के आपको यही मदद मिल सकते हैं। तो गाइज आप आते हैं नंबर 4 ट्रिप पे। तो नंबर 4 ट्रिप की बात करें तो वही है फायर एंड फास्ट वेपन चेंज। तो बहुत सारे बंदे हैं जो AWM से गोली चलाते हैं और उसके बाद AWM का रिलोड होने का वेट करते हैं, लेकिन अगर आप BNL या फिर आजू भाई का गेम प्ले देखोगे तो वो लोग ऐसे नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फायर करते हैं और मेरी वेपन पर स्विच करके वहाँ से मूव करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे आप पहले, सबसे पहले इसके लिए आपको 3 चीज़ करना होगा। सबसे पहले आपको AWM लेना होगा और फायर करना होगा, और उसके बाद मिली वेपन पर क्लिक करके वहाँ से मूव करना होगा। इससे आपका गेम प्ले में बहुत इंप्रूव आएगा AWM के साथ, और इस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप AWM का तो किंग बन जाओगे। तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना और देखना आपका गेम कितना बढ़िया हुआ। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और आगे और भी टिप्स से आप इस वीडियो को पूरा देखो। अब नंबर 5 टिप पर है यूज़ AWM प्लस AR प्लस मिनी शॉटगन। अब इस टिप्स का फ़ायदा क्या है देखो, जब आप एनिमी आपके एकदम से क्लोज हो जाता है तब आप मिनी शॉटगन निकालो एंड एनिमी को मार दो, जैसे मैंने यहाँ पर मारा। मिनी शॉटगन का यही फ़ायदा है, और आप सब में से बहुत सारे लोग मिनी शॉटगन का यूज़ नहीं करते। मिनी शॉटगन इतना बुरा नहीं है, यह भी अच्छा है, मिनी शॉटगन भी बहुत अच्छा है, बस उसका रेंज थोड़ा कम है, लेकिन मिनी शॉटगन भी बहुत अच्छा है। आप भी उसको देख सकते हो, देखो सिर्फ 2 ही बुलेट्स लगता है उससे भी बंदे को ख़त्म करने में। तो इससे भी आप क्लोज रेंज में मार सकते हो, देखो बहुत सारा डैमेज दी, लेकिन इसका एक्यूरेसी थोड़ा नहीं सही नहीं है, इसलिए बस गोलियां थोड़ा मिस होगी अगर आप बिना देखे चलाओगे। आप AWM और AR गन का क्या है देखो, आप जैसे मैंने AWM से 150 का डैमेज दिया, अब मुझे पता है कि उसका HP ज़्यादा नहीं है, आज मैं उसे AR गन से मारूंगा, ठीक है। आप AWM पे डिपेंड मत रहो, आप AWM यूज़ करो, और जैसे आपने AWM से 1-2 गोलियां मार दी आप AR निकालो एंड उस पर अटैक कर दो और बंदा ख़त्म। ये था हमारा मिड रेंज का, और लॉन्ग रेंज के लिए तो हमारा AWM यही। तो इस टिप्स को फॉलो करोगे तो मुझे पक्का यकीन है आप भी ऐसे AWM चलाने लग जाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक मार दो, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सब हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रखो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।